फ्रेंड्स, वायरल वीक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार, आज आपको यूट्यूब एनालिटिक्स के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। और अपने यूट्यूब एनालिटिक्स यानी मेरा जो खुद का चैनल है, उसका मैं आपको कुछ टूर भी कराऊंगा कि मेरा चैनल किस तरह से ग्रो किया है और क्या व्यूज़ हैं, क्या सब्सक्राइबर्स हैं और किस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ किया हुआ है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर मेरा चैनल ग्रो कर सकता है देन आपका चैनल भी ग्रो कर सकता है। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि मेरा चैनल 5 साल पुराना चैनल है, तब जाके आज के डेट में ग्रो किया है। बट अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आपका चैनल 1 साल 8 महीने 7 महीने के अंदर ग्रो कर जाए एंड आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, ये वेरी मच पॉसिबल है। बस करना क्या है आपको कि कंटिन्यूस काम करना होगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट किए हुए। आप देख सकते हैं ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स है, यूट्यूब एनालिटिक्स, जो मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पे खोल के रखा हुआ है मोबाइल में। आप देख सकते हैं योर चैनल हैज़ गॉटन 26,83,885 व्यूज सो फार। यानी मेरे चैनल को 2014 में मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, ओल्डेस्ट वीडियो फ़िल्टर करके देखेंगे, तो सबसे पहला वीडियो आपको LIC का मिलेगा, जो कि मैंने 2014 में अपलोड किया था। उसके बाद मैंने दो या तीन महीने काम किया था, देन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था काम करना यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद फिर मैंने अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया दोबारा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच सकते हैं अगर मैं उस टाइम में कंटिन्यू रहता तो मेरा चैनल आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका रहता, अगर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड करते रहता। तो एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि अगर आप यूट्यूब पे फुल टाइम डेडिकेटेड होकर काम करते हैं तो यूट्यूब आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, और अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो नहीं करेगा। आप मेरा रेवेन्यू भी देख सकते हैं, 1271 रुपये का मेरा मैंने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डॉलर की जगह इंडियन रुपीज़ में दिख रहा है। तो मेरा जो रेवेन्यू है वो 1271 रुपये मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरा सिर्फ ऐसे देखने के लिए है। ठीक है, मेरे यूट्यूब पर अर्निंग्स भी अवेलेबल हैं, बट क्या है कि डीमोनेटाइज हो जाने की वजह से मेरे चैनल पे अभी अर्निंग्स नहीं हो रही है दोबारा ये जैसे ही। और दूसरी बात, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन्हें वेलविशर बोलूँ या क्या, बट हाँ मैं वेलविशर ही बोलूँगा, क्योंकि उनके कमेंट्स से ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे अब ये चीज़ करना है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, तो मैं उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं करता, मैं जस्ट उन्हें थैंक यू बोलता हूँ कि, और सही में थैंक यू बोलना भी चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है मैं चैनल को मोनेटाइज करने की। ठीक है, तो इससे मुझे एक हिम्मत मिलती है, नहीं मैं चैनल को मोनेटाइज कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आप देख सकते हैं मेरा व्यूज़ जो है 2.7 मिलियन है। वॉच टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे, 4000 घंटों के लिए मतलब परेशान होते हैं यूट्यूबर्स कि मेरा 4000 घंटा कैसे पूरा होगा। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर 1,95,700 घंटे वॉच टाइम है। ठीक है, यहाँ पर आर्स में आपको दिख रहा है ये 195.7 के जो है वो आर्स में है, ना कि मिनट में, समझ सकते हैं। सब्सक्राइबर्स मेरे 13.8 के हैं, यानी 13,800 सब्सक्राइबर्स हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू 1271 रुपये हैं, और रियल टाइम व्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 4392 मेरा रियल टाइम व्यूज़ है लास्ट 48 आवर्स का, जो कि अभी मेरा डिक्रीज़ हुआ है। और अगर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा तो ये मेरा कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीज़ होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना आपका रियल टाइम व्यूज़ बढ़ेगा उतना आपके लिए बेस्ट है, आपके चैनल के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप रीच देख सकते हैं 23.5 मिलियन इंप्रेशन मेरे चैनल पे पड़े हैं, यानी कि 23 मिलियन का मतलब है 2,30,00,000, यानी कि लगभग 2,30,00,000 इंप्रेशंस, यानी कि मेरे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब ब्राउज फीचर्स में आए हुए हैं या जहाँ पे भी आए हैं, बट यूट्यूब पे आए हुए हैं, लोगों ने इनको देखा है, भले उन्होंने क्लिक ना किया हो, बट 2,30,00,000 लोगों ने मेरे वीडियोज़ का थंबनेल देखा है। ठीक है, उसमें से ये जो CTR आप देख रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि 2,30,00,000 लोगों ने जो देखा, उनमें से 9.3% लोगों ने मेरे वीडियोस के ऊपर क्लिक किया एंड मेरे वीडियो को वॉच किया। ठीक है, इंगेजमेंट आप देख सकते हैं 195 के जो मैंने आपको बताया था वॉच टाइम, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 4 मिनट 22 सेकंड का, यानी कि जो भी बंदा मेरे चैनल पर आ रहा है वो मिनिमम 4 मिनट 22 सेकंड मेरी वीडियोस को वॉच कर रहा है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, इसे एवरेज किया गया, एवरेज करके ये निकाला जाता है। जैसे एवरेज का मतलब ये है कि सपोज़ मान के चलिए 10 लोगों ने आपके वीडियो को देखा है, 10 लोगों में से कुछ लोगों ने आपके वीडियो को 10 सेकंड ही देखा, कुछ लोगों ने 1 मिनट देखा, तो उनका जब एवरेज निकलता है तो उसकी एवरेज निकलता है। चलिए, मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेवेन्यू,
रिवेन्यू क्या मेरे चैनल पे आया, तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू 1271 रुपये का मेरा टोटल रिवेन्यू है, लाइफ टाइम रिवेन्यू है, ठीक है। सी पी एम आर पी एम यहाँ देख सकते हैं, यानी कि आर पी एम का मतलब है पर 1000 इंप्रेशन पे आपको क्या मिल रहा है, और जो आप बोलते हैं ना कि 1000 व्यूज पे कितना अमाउंट मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको एकदम रुपीज़ में दिख रही है, जो कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा यूट्यूब अभी वर्क कर रहा है, और इस तरह से मेरा यूट्यूब ग्रोथ किया है। और एनालिटिक्स से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपको बिलीव नहीं होगा, यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू आप अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, बट आपको यूट्यूब एनालिटिक्स अच्छे से देखना आना चाहिए। और इस चीज़ को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको एनालिटिक्स का यूज़ करना है प्रॉपर वे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।